is known as the plates. जो solid crust है, that known as the plates. अब solid crust part only these are the continents. कुछ plates ऐसी भी जो continent के अलावा दूसरा नहीं भी है, जैसे यूरेशिया. यूरेशिया मतलब यूरोप एंड एशिया. अगर हम इनको separate करेंगे, यू आर प्लस एशिया, that plate known as the यूरोप plate, यूरोप continent and Asia plate. That is only the Eurasia. So this is the plates. These are, you know, inside the earth structure. Earlier you have seen. Yes, beta. Minerals. So first, like that part is known as the crust. So upper most part is known as the crust. Second part is known as the mantle. Okay. और इनर इसी known as the core. तो इनर कोर कोर और आउटर कोर वी हैव स्टडी अर्लियर. तो ये जो कोर पार्ट है इनसाइड कोर दैट इज इन द मोल्ड, जो मैग्मा होता है वो यू नो पेस्ट फॉर्म में होता है, नॉट एज लिक्विड, पेस्ट फॉर्म. तो व्हेन अ प्लेट, ये सॉलिड प्लेट जो उसको फ्लोटिंग करती है, तैरती है, मतलब इतनी स्पीड से नहीं, जो स्पीड है 2 सेंटीमीटर इन ए ईयर, ये अंदर ओनली 2 सेंटीमीटर ये मूवमेंट्स होता है प्लेट्स का मूवमेंट. तो इन प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से इफ टू प्लेट्स मूव इन सेम डायरेक्शन, जो हमने कल डिस्कस किया, तो सम टाइम व्हाट हैपेंस इफ टू प्लेट्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वहां पे वैलीज बन जाएगी, ओके, ब्लॉक्स बन जाएंगे. इफ टू प्लेट्स मूव इन सेम डायरेक्शन तो व्हाट विल बी रिजल्ट, रिजल्ट क्या होंगे, मे बी फोल्ड माउंटेन बन जाएगा, ओके, सच एरिया इज द फोल्ड माउंटेन. सम टाइम व्हाट हैपेंस इफ टू प्लेट्स मूव इन सेम डायरेक्शन, तो इनसाइड जो मैग्मा है, बेस्ट मैग्मा, तो मैग्मा में भी प्रेशर है और इट कम्स ऑन द अर्थ सरफेस. वो जब अगर टू प्लेट्स से मूव करने से जो मैग्मा है, दिस मैग्मा में भी कम्स ऑन द अर्थ सरफेस. अगर टू प्लेट्स मूव करेगी इन सेम डायरेक्शन तो ये मैग्मा अर्थ सरफेस पे आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनो. तो वोल्केनिक जो इरप्शन होता है, इट इज आल्सो रिजल्ट ऑफ द प्लेट्स मूवमेंट. तो प्लेट्स मूवमेंट से जो स्ट्रक्चर और मे बी फिजिकल डिजाइन बनते हैं, सम टाइम फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक मे बी, और वोल्केनिक इरप्शन. तो दिस आर द रिजल्ट ऑफ प्लेट्स मूवमेंट. ओके, और नेक्स्ट वन इज द आफ्टर प्लेट्स मूवमेंट देयर आर 3 कैटेगरीज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक ऑफ प्लेट्स मूवमेंट. जैसे इफ टू प्लेट्स मूव इन, जस्ट टू वेट, two plates move in the same direction, that is known as the convergent boundary. उसको convergent boundary बोला है. If two plates move in opposite direction, एक दूसरे से दूर जाएगी, that is known as the divergent boundary. और sometimes plates may be uplift, like that is known as the transport boundary. It given transport moments, divergent moment or convergent moment. It given. Let one be discussed in short major physical division. अब ये मेजर जो फिजिकल डिविजन है, दिस आर द रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस. वन इज द प्लेट जो मूवमेंट होता है, और सेकेंड वन इज द इरोजन डिपोजिशन एंड पेजिंग. ओके, तो दिस जो फिजिकल स्ट्रक्चर वी कैन सी ऑन द अर्थ सरफेस जो हमें दिखाई देता है, तो दिस आर द रिजल्ट ऑफ इरोजन डिपोजिशन एंड वेजिंग. अब इन तीनों किन से होता है, देयर आर फ्यू एजेंट जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब इनके एजेंट्स क्या है, एजेंट मतलब दो ट्रांसफर द मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी करके ले जाते हैं, ए प्लेस टू बी, जो कैरी करके ले जाएंगे वो इनके एजेंट होंगे. ओके, तो व्हाट आर द एजेंट, हम थोड़ा सा शॉर्ट में स्टडी कर लेते हैं. अब एजेंट्स भी क्या क्या आ सकते हैं, रिवर, ओके, ग्लेशियर, सी वेव्स, विंड, ओके. तो दिस आर द एजेंट व्हिच प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन इरोजन डिपोजिशन. ओके, तो रिवर्स है, ग्लेशियर है, सी वेव्स है, एंड विंड.
तो मैं एक एक एग्जाम्पल सभी का देता हूँ ओके तो आप समझ जाओगे यू आर इन क्लास 9 यू नो कि कैसे ये डिफरेंट रोल प्ले करते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल डिवीजन. अब जैसे यू नो माउंटेन एरिया है ओके तो माउंटेन एरिया से जो सोइल से इट मे बी इरोडेड बाय द रिवर्स और इट मे बी ड्यूरिंग द रेनी सीजन जब फ्लड आता है रेनी सीजन इट मे बी डिपोजिटेड जो सोइल होती है डिपोजिट ऑन द बैंक ऑफ रिवर व्हेन द वाटर मे बी एक्सपायर. बट व्हेन अ रेनी सीजन एट द एंड ऑफ मॉनसून मॉनसून का जैसे एंड होता है तो जो वाटर लेवल डिक्रीज होगी तो यहाँ पे जो फर्टाइल सोइल डिपोजिट हो जाएगी तो इट इज ये कहाँ से ट्रांसफॉर्म हो गया है फ्रॉम माउंटेन बाय किसके द्वारा है रिवर एजेंट क्या रिवर. तो इट इज नॉन एज इरोजन यानी कोई भी मेटेरियल जो होता है वो इरोड किया जाता है इरोड मतलब कट. अब ये जैसे इसके स्मॉल स्मॉल सेडिमेंट्स हो गए तो ये इरोजन का एग्जाम्पल है किसके द्वारा होता है रिवर्स के द्वारा ओके तो इट इज द वन एग्जाम्पल ऑफ इरोजन. इसमें पता है क्या हो रहा है इरोजन हो रहा है कि डिपोजिशन. इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इरोजन और डिपोजिशन. सर डिपोजिशन 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 हो रहा है यहाँ पे यानी सेडिमेंट डिपोजिट हो रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है इरोजन यानी दोनों ही हो रहे हैं इसके इरोजन एंड डिपोजिशन बोथ आर इरोजन एंड डिपोजिशन. तो ये रिवर हो गए एक एजेंट है रिवर ओके. अनदर वन एग्जांपल ऑफ ग्लेशियर देखते हैं एग्जांपल ऑफ ग्लेशियर क्या रोल प्ले करता है फिजिकल फीचर्स में ओके. अब ग्लेशियर्स तो यू नो ग्लेशियर कम्स फ्रॉम द आई पीको माउंटेन जो ग्लेशियर आई पीको माउंटेन से ग्लेशियर आ रहा है और इट मे बी स्टोरेज इनसाइड सच स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर लाइन स्ट्रक्चर है यहां ये डिपॉजिट हो जाएगा ओके. अब आफ्टर फ्यू टाइम इट मे बी मेल्ट डाउन जो ये ग्लेशियर आइस है ये मेल्ट डाउन हो जाएगी आफ्टर फ्यू मंथ और ईयर. तो मेल्ट डाउन होने के बाद क्या होगा वाटर वेल विल बी फिल अप इनसाइड द डेड पार्ट तो यहां पे लेक्स बन जाएगी तो ग्लेशियर से फॉर्म होने वाली लेक्स दैट इज नोन एज द मोरेन सोल जो ग्लेशियर लेक होती है जैसे मानसरोवर लेक लाइक दिस. तो ये भी एग्जांपल है किसका डिपोजिशन का ओके. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिपोजिशन. तो ग्लेशियर इस टाइप से रोल प्ले करता है फिजिकल डिवीजन से. अनदर वन विंड व्हाट इज द रोल ऑफ विंड इन आप विंड का रोल देखिए सपोज दिस इज द रॉक्स रॉक्स है ओके. अपर पार्ट ऑफ रॉक्स इज हार्ड रॉक ये हार्ड रॉक है और सॉफ्ट रॉक है. इट इज द हार्ड रॉक अपर पार्ट जो हार्ड रॉक है और बिलो पार्ट इज सॉफ्ट रॉक. इन डेजर्ट व्हाट हैपेंस डेजर्ट में जो विंड ब्लो होती है स्पीडली जो चलती है वो क्या करती है स्मॉल सेडिमेंट्स छोटे छोटे सेडिमेंट जो सेंड के होते हैं ना वो अपने साथ अपलिफ्ट कर लेती है एक हाइट तक अपलिफ्ट कर लेगी ओके. तो दिस पोर्शन विल बी एरोडेड बाय द जैसे इन फ्रंट जा रही है ये 3 डिग्री है इसलिए मैं बता रहा हूँ सपोज इन फ्रंट विंड जा रही है तो दिस पोर्शन विल बी एरोडेड बाय द विंड स्मॉल सेडिमेंट्स इसके टकराएंगे और ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा. तो सच स्ट्रक्चर इन डेजर्ट इज नोन एज द मशरूम रॉक्स. मशरूम रॉक बन जाएगा ये वाला पार्ट क्या हुआ इरोडेड हो गया किसके द्वारा विंड के द्वारा क्योंकि स्मॉल स्मॉल सेडिमेंट्स वो रॉक से टकराएंगे तो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ मशरूम रॉक ऐसा बन जाते हैं डेजर्ट में. तो ये किसका एग्जांपल है इरोजन का बाय विंड ओके. अब टेक द एग्जांपल ऑफ सी सी वेव्स. सी वेव्स का सबसे सिंपल एग्जांपल है यू नो डिपोजिशन व्हाट जो बीचेस होते हैं जैसे गोवा बॉम्बे इन पे जो ओशियन सोर्स पे जो बीचेस है दिस आर द एग्जांपल ऑफ सी वेव्स कैसे वो सैंड्स को ऑन द कोस्टल एरिया पे लाके डिपॉजिट कर देती है और पूरा बीचेस बन जाता है दिस आर द एग्जांपल ऑफ सी वेव्स. तो दिस आर द डिफरेंट एजेंट. तो इरोजन डिपोजिशन हमने देख लिया. इरोजन एंड डिपोजिशन सिंपल सा एग्जाम्पल है कि इफ दिस आर द फॉल पिक्स जो ये स्मॉल सेडिमेंट्स है
चौके अगर यहाँ से बाय एनी एजेंट रिवर वाटर ग्लेशियर विंड किसी के द्वारा भी टू पार्ट्स अगर यहाँ पे इरोड कर ले जाते अलग कर दिए जाते तो इट इज नोन एज इरोजन ये इरोजन हो गया और व्हेन अ स्मॉल सेडिमेंट मे बी डिपॉजिट एट ए वन प्लेस एक प्लेस पे इतने कर दिए जाते हैं दैट इज नोन एज डिपोजिशन सिंपल सा है आइडेंटिफाई आप खुद कर सकते हो कि कोई भी फिजिकल फीचर से अब इससे जो स्मॉल सेडिमेंट से कोई भी चीज इरोड यानी यहाँ से काटी गई है और दूसरी जगह डिपोजिट कर दी तो एक डिपोजिशन है और यहाँ इरोजन है Are you getting my point? Erosion and deposition. Yes, sir. Okay, beto. Yes, sir. So next आता है weathering. Weathering मतलब weather. अब how to weather play the important role. एक weather का क्या role होता है? किसी भी formation और physicals में, okay? अब weather direct indirect role play करता है weathering. Okay, कैसे? See. रॉक है सिंपल सा एग्जांपल है इनसाइड द रॉक ड्यूरिंग द हॉट वेदर और जब भी विंड ब्लो होगी स्पीडली तो मे बी पॉसिबल इस रॉक के अंदर स्मॉल होल्स हो जाएंगे क्रैक्स लाइक इट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ वन डे वन ईयर टू ईयर इट मे बी टेक द थाउजेंड ऑफ ईयर जितने भी साल इसमें लग सकते हैं ऐसी प्रोसेस पे ऐसा नहीं है कि आपने वन ईयर टू ईयर में ऐसा होगा इट मे बी टेक थाउजेंड ईयर कितने भी ईयर्स लग जाते हैं ऑल वे ड्यूरिंग द रेनी सीजन में वाटर मे बी स्टोरेज इनसाइड द होल रेनी सीजन में क्या होगा वाटर स्टोरेज हो जाएगा इनसाइड द होल ओके अब ड्यूरिंग द विंटर विंटर में क्या होता है कि वाटर वॉल्यूम विल बी इंक्रीज जब कूल डाउन होगा वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा इंक्रीज मतलब छोटे तो वेदर की वजह से कितना चेंज आ रहा है एक रॉक स्मॉल सेडिमेंट में चेंज हो गए और ये स्मॉल सेडिमेंट बाय द रिवर्स बाय वाटर इट मे बी चेंज इनटू द डिफरेंट शेप और मे बी फ्रॉम द सोइल तो सोइल को बनने में कितने थाउजेंड इयर्स लग जाते तो इट इज द वेदरिंग ये वेदर होता है कि वेदर से कैसे फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वेदरिंग अब हम डिस्कस कर रहे हैं हिमालय ओके हिमालय ये रिविजन चल रहा है डेट्स व्हाई मैं शॉर्ट में यूज कर रहा हूँ कि ऑल द थिंग्स इन डिटेल यू नो और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं इन क्लास टाइम दे मे बी सी दिस रिविजन ओके अब हिमालय हिमालय के थ्री फॉर्मेशन यू नो ग्रेटर हिमालय मिडिल हिमालय एंड शिवालिक रेंज जो लोअर रेंज है दैट इज नोन एज द शिवालिक रेंज तो द हिमालय आर यंग फोल्ड माउंटेन यंग फोल्ड माउंटेन एक वर्ड यूज होता है यस यंग मतलब टू व्हाई वी यूज द यंग वर्ड और फोल्ड मतलब यू नो टू प्लेट्स जो है क्योंकि हर जो प्लेट है कॉन्टिनेंट्स के बीच में उनके बीच में क्रैक्स होते हैं बोले मैंने आपने क्रैक्स ही नहीं बताया अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा एक प्लेट से ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है एंड एशिया कॉन्टिनेंट है तो इनके बीच में गैप होता है गैप मतलब क्रैक्स होते हैं मतलब दिस प्लेट्स में भी मूव जैसे ये एशिया कॉन्टिनेंट एशिया यूरोप कॉन्टिनेंट तो दिस आर द क्रैक्स ये दो प्लेट्स है ये सेपरेट प्लेट है ये सेपरेट प्लेट है तो ये क्या क्रैक्स है इन क्रैक्स के बीच में ही जो वोल्केनो ये आते हैं क्रैक्स की वजह से आते हैं ओके जैसे हिमालय दिस आर द क्रैक्स ये क्रैक्स होते हैं जब सबसे ज्यादा
यू नो आपके आने के चांसेस होते हैं, तो दिस आर द क्रैक्स, प्लेयर्स के बीच में क्रैक्स होते हैं. तो एलिजी सर्कल आप जो हिमालय करेंगे कि हिमालय इज द मेन फोर्स माउंटेन. अब टू प्लेट्स के बीच में जब क्रैक्स होगा तो टू प्लेट्स सेम डायरेक्शन में मूव करेगी तो फोल्ड माउंटेन बन जाएगा जैसे हिमालय बना. तो व्हाई इज हिमालय नोन एज द यंग फोल्ड माउंटेन. अब फोल्ड माउंटेन तो पिनो वैली में भाई फोल्ड है वो, ओके कैसे बना हुआ, यंग क्यों है, यंग इसलिए क्योंकि अभी हिमालय की ग्रोथ चल रही है, ग्रोथ रुकी नहीं है, बिल्कुल यंग है. यानी जितने भी यू नो अर्थ सरफेस पे जो माउंटेन है उन सब में यंग है. अब यंग माउंटेन की क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, ग्रोथ प्रोग्रेस, ओके अभी इसकी ग्रोथ चल रही है. बहुत से माउंट एवरेस्ट को 8848 मीटर बताते हैं बट प्रैक्टिकली 52 मीटर बहुत से लोग बताते हैं कि इसकी ग्रोथ अभी बढ़ती जा रही है, अभी रुकी नहीं है. अनदर वन रिवर्स है, अभी यहाँ पे रिवर्स क्या है निकल रही है, ग्लेशियर है वहां पे रिवर्स अभी निकल रही है, वेजिटेशन ग्रो हो रही है. तो ये सब चीजें होल्ड हो रही है, ये सब चीजें ग्रोथ अभी चल रही है, प्रेजेंट है, रिवर्स है, ग्लेशियर है, यू नो वेजिटेशन है. तो दिस ग्रोथ इज गोइंग ऑन, अभी ये प्रोग्रेस में है, ऐसा नहीं एंड हो गया कि रिवर्स ग्लेशियर पिघल गए, रिवर ड्राउट होना स्टार्ट हो गई, इट नेवर हैपेंस. अब ऐसा नहीं हुआ है. तो हिमालय एक गेंद है बिल्कुल, गेंद मतलब बिल्कुल अभी रिवर्स है. कितने रिवर्स हिमालय से निकले पता है आपको, देयर आर थ्री मेन रिवर्स इंडस जिसकी लेंथ 2900 किलोमीटर, गंगा रिवर्स, ब्रह्मपुत्र रिवर्स. नेपाल में कितने रिवर्स आ रही है, गारगा, गंगा, कोसी रिवर्स, मानसरोवर लेक. तो हिमालय बिल्कुल अभी ग्रोथ में, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द यंग फोल्ड माउंटेन. अब इसका हम एक्सटेंशन और एरिया स्टडी कर लेते हैं, कितने एरिया पे ये फैला हुआ है. तो यू नो हिमालय आर द यंग फोल्ड माउंटेन, व्हाई वी यूज द यंग वर्ड यू नो वेरी वेल. एंड लोटस एंड वन ऑफ द माउंटेन बैरियर्स आल्सो, पासेज भी है बैरियर्स है यू नो, एंड दे आर 2400 किलोमीटर लॉन्ग. एंड इसकी जो लेंथ है 2400 किलोमीटर लॉन्ग, 2400 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू टू टिल अरुणाचल प्रदेश, इट इज द लेंथ ऑफ 2400 किलोमीटर. एंड वाइड एरिया 400 किलोमीटर इन जम्मू कश्मीर, और दिस एरिया 400 किलोमीटर वाइड एरिया है. एंड 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश, इस तरह इसका एरिया बहुत कम वाइड हो जाता है. लेंथ 2400 किलोमीटर, नॉट सुना ये वाला एरिया वाइड एरिया 400 किलोमीटर. और इन अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न पार्ट इट इज ओनली 150 किलोमीटर, ओके. तो इट इज द हिमालय जो इसका एरिया दे रखा है 2400 किलोमीटर लेंथ है, इस टाइप से 400 किलोमीटर वाइड एट द स्टार्टिंग और 150 किलोमीटर वाइड एट द एंड, मींस द अरुणाचल प्रदेश, ओके. दिस इज द हिमालय. हिमालय डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज, थ्री पार्ट. अब इसको रिवर बेस पे डिवाइड किया है, यू नो इन क्लास 7th और 6th और कॉमनली यू नो अबाउट द ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय एंड लोअर हिमालय. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट डिवाइडेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स, कि रिवर बेस पे इसको कैसे डिवाइड किया है, ओके. तो रिवर बेस पे जो हिमालय को डिवाइड किया गया है, फर्स्ट है पंजाब हिमालय. अब पंजाब हिमालय इस लाइज बिटवीन द इंडस एंड सतलुज रिवर, जो इंडस और सतलुज रिवर है उनके बीच का जो हिमालय, इट इज नोन बाय द पंजाब हिमालय. सेकेंड वन हिमालय इज द कुमाऊ हिमालय, इट लाइज बिटवीन द सतलुज एंड काली रिवर. We learn the रिवर्स नेम कैसे, जस्ट फर्स्ट इज द इंडस, ओके सतलुज रिवर,
सतलुज से काले रिवर, ओके आफ्टर काले तीसरा रिवर एंड दिबांग, ये लर्न कर लेना ISATG, ओके। तो बिटवीन द इंडस एंड सतलुज पंजाब की माने, क्योंकि ये एरिया पंजाब का आता है, ओके। एंड सतलुज टू काले रिवर इज नोन एज द कुमाऊं हिमालय एंड काली टू तिस्ता रिवर इज नोन एज द नेपाल हिमालय एंड तिस्ता टू दियांग रिवर इज नोन एज द आसाम हिमालय। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, रिवर्स नेम लिखिए और बिटवीन डेट बोले पंजाब से स्टार्ट कीजिए, फिर पंजाब के बाद कुमाऊं हिमालय, लेटर ऑन नेपाल हिमालय और लेटर ऑन आसाम हिमालय। तो इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयस ऑन द बेसिस ऑफ वेस्ट टू ईस्ट और ए डिवाइडेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। तो टुडे डियर स्टूडेंट वी हैव डिस्कस अबाउट द हिमालय, टुमारो विल डिस्कस अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स, ओके। तो इफ यू